हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने जो पुराना ब्लॉग था वो हल्दी का शूट किया था, देन अब है न्यूतेर। तो मेरे जेठ के होने जा रहा है रिसेप्शन, हल्दी खत्म हो गई, हम घर भी आ गए थे, हमने थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया, देन अब हम उठ गए हैं एंड अब हम जाएंगे उनके न्यूतेर में, उनके न्यूतेर फंक्शन में जाएंगे। अब होंगे हम रेडी न्यूतेर के लिए, वो लुक था जो हमारा हल्दी का था, देन अब हम होंगे तैयार न्यूतेर के लिए। तो अभी मेकअप नहीं किया है मैंने, देन अभी मेकअप करेंगे, मैं भी करूंगी, दीपू भी करेगी, मम्मी तो तैयार हो रही है। ये देखो मम्मी तैयार हो गई है एंड ये इसने अपना अपने कपड़े पहन लिए, ये देखो। तो अभी इसका करेंगे मेकअप, ये देखो। तो अभी हम करेंगे इसका मेकअप एंड तब जाएंगे हम सब न्यूतेर में, एंड मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं, तो मैं आपको मम्मी और पापा से मिलाती हूँ। तो ये आई है मेरी मम्मी, मेरी मम्मी और को भी बुलाया, मेरे ताऊ ससुर ने शादी में, तो ये मम्मी भी आई है, मम्मी ने उसको पकड़ रखा है शिवांश को। हाय बोल दो। हाय बोल। हाय गाइस। ये हाय गाइस ट्रेंड में चल रहा है। तो ये मिलाया मैंने मम्मी से एंड अब मैं अपने पापा से मिलाती हूँ। तो गाइस मेरे पापा ये है, आपने बोला था कि आपने अपने पापा से नहीं मिलाया, तो ये मेरे पापा, मेरे ससुर जी भी तैयार हो गए हैं। पापा पहले चले जाएंगे, हम बाद में आएंगे, ये तैयार हो जाते हैं। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, भाभी ने मेरा मेकअप किया है, कैसे लग रहा है बताना जरूर, ऐसे में दिख नहीं रहा होगा, मैं पैक करके दिखाती हूँ एक मिनट। तो गाइस मेरा ये लुक है, कैसे लग रहा है जल्दी से कमेंट में बता देना, और बाकी सबको मतलब सिर्फ मैं ही तैयार हुई हूँ, कोई तैयार नहीं हुआ है। भैया भी तैयार हो गया है, भैया अंदर है तो बाद में दिखाऊंगी मैं उनको। और हेयर स्टाइल मैंने खुद बनाया है, इसी पूरा लुक यहाँ तक दिख नहीं रहा है, तो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। तो मुझे मैं ऐसे लगेगा कि मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी लग रही है मुझे, मैं खुद मैं सबको ऐसे लग रही हूँ, पंजाबी लग रही हूँ, क्या क्या लगा बताना जरूर कमेंट में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वहाँ जाने के लिए। और भाभी तो अभी तैयार हुए ही नहीं, भाभी मेरे मेकअप करने में लगी हुई थी, इसलिए अब भाभी अपने मेकअप करिए। मम्मी तो सिर्फ वही साड़ी पहन रही थी, सुबह पहनती, क्योंकि मम्मी को बोल होती है साड़ी पहनना, साड़ी उतारना है, ऐसे कौन बोला छोड़ो, मैं उसके ऊपर स्वेटर पहन लेती हूँ। मम्मी स्वेटर पहन रही, मम्मी भी रेडी है एक तरह से, छोटू को भी रेडी कर रहे हैं, और भाभी की मम्मी जो है मतलब आंटी, वो भी तैयार हो चुकी हैं, और पापा भी तैयार हो चुके हैं, वो चले गए हैं। और भैया को दिखाती हूँ, भैया अच्छा आपको दिखा रही हूँ मैं, हाँ जल्दी दिखाते हैं भैया को, भैया कैसे लगे। हेलो गाइस, मैं रेडी हो गया हूँ, बाकी वाइफ मेरी रेडी हो रही है, लड़के ना टाइम लगाती है, और दीपू पहले से, दीपू हर चीज में कैसे पहले हो जाती है, खाने में फर्स्ट, कपड़े पहन लिए सबसे पहले, उसके बाद मैंने पहन लिए, अब मम्मी और मेरी वाइफ रेडी हो रही है, तो हम उसको उनको दिखाएंगे जब वो रेडी हो जाएंगे। छोटू भी रेडी हो रहा है, पर लेकिन वो चिल्लाने लग गया, तो पूनम बीच में रुक गई है, पहले उसको फीड करवा रही है, फिर रेडी होगी, उसके बाद उसे भी रेडी करेंगे, बाकी सब रेडी हो रहे हैं, तो रेडी होंगे तो आपको मिलवाते हैं उनसे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे, तो मिलते हैं यहाँ से। तो गाइज हम सब रेडी हो चुके हैं, ये मेरी मम्मी भी रेडी हो गई, मैं भी रेडी हो गई एंड ये दीपू भी रेडी हो गई, मम्मी भी रेडी हो गई, सब रेडी हो गए, अब हम निकलते हैं क्योंकि लेट हो गया है सुबह की तरह, तो चलते हैं। गाइज हम सब रेडी हो चुके हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, दीपू भी रेडी हो गई एंड मम्मी भी रेडी है, और हमारा छुट्टू भी रेडी है शिवांश, और अभी मेरी सासू माँ आ रही है अंदर से, दीपू तो बहुत पहले से रेडी हो रखी है, अभी दोनों मम्मियाँ साथ है, इसलिए मैं मम्मी और सासू माँ बोलूंगी, मम्मी और सासू माँ, मम्मी और मम्मी जी वो ये है मेरी सासू माँ, वो भी रेडी हो गई है, कंबल लेके गए हैं, अब इसको इसमें रखेंगे, पैक करेंगे, इसको पैक करेंगे, मास्क लगा लो, टोपी का चेक है, टोपी दिया मिलता है, वो पहने का, अरे बाबू बाहर पीछे है, पीछे तो उसको पैक किया जा रहा है, उसको पैक कर रहे हैं, मम्मी अब उसे पैक कर रही है क्योंकि बाहर ठंड हो रही है।
टोपी नहीं चाहिए, अभी बाहर ठंड लगेगी, बाहर ठंड रखती है, देख लो ना तुम, बोलो चलते हैं। ओ अब निकलते हैं हम क्योंकि लेट हो चुका है, खाना खाने जाएंगे, खाली अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा डांस थोड़ा कुछ थोड़े मस्ती तब अच्छा लगेगा, तो चलो चलते हैं। ये मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं, हमने मैचिंग मैचिंग किया, हमने ट्रेनिंग कर रखी है, ट्रेनिंग रेड रेड उसके लिए नहीं मिले, शिवांश के लिए नहीं तो मैं उसके लिए भी रेडी ला रही। ये मम्मी ताला लगा रही है और अब जो हम जा रहे हैं सारे, वो चले गए दीपू और मेरे हस्बैंड चले गए और शिवांश को ले गए वो, तो हम गेट वगैरह सब बंद करके आ गए थे, लेकिन मेरी मम्मी वहाँ कोई थैला भूल गई अपना तो उसके लिए मेरी सास ऊपर वापस गई है, यानी मम्मी ऊपर गई है वापस, तो तभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे, और वो शिवांश को लेके घुमा रहे क्योंकि वो रोने लग गया था। मैं कितनी काली लग रही है तो काली यहाँ पे दूर जाला नहीं आ रहा है इसलिए हम काले से लग रहे हैं, तो अब आ गई मम्मी ले आई थैला, तो अब हम जा रहे हैं। हाँ ये मेरे लगा था, तो या तो हम ई रिक्शे में जाएंगे या तो ऑटो में जाएंगे, देखो किस में जाते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटा बेबी है इसलिए हम पैदल नहीं जाएंगे, तो अब ऑटो ढूंढेंगे, ऑटो मिल जाए तो बढ़िया जल्दी। अच्छा मिल गया है, अब हम इस ई रिक्शे में जाएंगे, आ जाएंगे वो आगे आ जाएंगे, तो चलिए चलते हैं बैठते हैं, बैठ मम्मी पहले हमारे छोटू बैठेगा तब मैं बैठूंगी, हाँ वहाँ के रास्ते बेकार, खटखट 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 ओ गाइस हम पहुँच चुके हैं, उल्टा चले गए थे बट फिर वापस आ गए आराम से, उतर गए हम सब। दिखाती मैं आपको मेन्यू, आपको यहाँ से खा ले चाउमीन, यहाँ बस पैसे देने पड़ेंगे, ये अंदर से खानी है, सुनो भाई अंदर से खानी है, यहीं से खानी है, तो गाइज ये है जहाँ न्यूतेर होने वाले हैं, अंदर भीड़ लगी हुई है, ये देखिए यहीं से पता चल रहा है, अंदर जाने में डर भी लग रहा है। दीदी को देखो, दीदी नो, हाँ क्या पहना दीदी ने, साड़ी, तो ये सब अंदर आ ऑलरेडी है, तो चलते अंदर, तो ये है गाइज देखिए मैं मर जाऊँ की टीचर, तो ये है दूल्हे की सिस्टर, हाय ये पूजू, पूरी पूजू में देखा होगा आपने, ज्योति के ब्लॉग में भी देखा होगा इसको, ज्योति किसने क्या अब तो भाभी किसने भी देख लिया ये हमारे ब्लॉग में देख लो, आपके सामने सब और भाभी आपके सामने सब पहले है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं भाभी बिना मेकअप, मैंने तो फिर भी पार्लर से करवाया मेकअप, लेकिन भाभी ने तो फिर भी घर पे करा, किस तरह लग रही है, मैं लाल लाल हो जाऊंगी ज्यादा, नहीं नहीं सच्चे जो सच्चे वो सच्चे, ये लहंगा ही है मेरी, हां ये लहंगा है, ये मेरे पापा सास ससुर जी देखिए फिगर पे ठाई कर रहे हैं, आप बैठ गए, पेट पूजा नहीं कर रहे, अभी खाएंगे थोड़ा प्लेट पे, थोड़ा मकान में डाले थोड़ा एंजॉय करते हैं पार्टी को, सबको टीका लग रहा था, मैंने पापा को बोला मुझे भी टीका लगा दो, मुझे पैसों वाला मत देना बस, मुझे नॉर्मल टीका लगवा, इसने भी लगवा ले देखो, क्योंकि टीके में जो लुक आता है ना इंसान का वो बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने टीका लगवा लिया, वो वाला टीका तो नहीं मिल सकता बट ये वाला टीका लगवा लिया, बहुत है इसने भी लगवा लिया, तूने वो वाला टीका नहीं लिया पैसों वाला, नहीं वो वाले पापा ने दिया नहीं, पापा ने दिया नहीं कह रही है, तो ये सब तैयार हो गए, चलिए हम भी चलते हैं कुल्लू मनाली, देखते हैं क्या पार्टी में, डांस भी कर रहे हैं अभी, डांस भी करेंगे, एंजॉयमेंट फुल, मेरा छोटा देखो सो रहा है, ये
इसका तो सुबह भी ऐसी था, आते सो गया, बिल्कुल सोया हुआ था, जैसे ही घर गया रोने लग गया इतनी तेज तेज। आज भी यही है, अभी सो रखा है, रात को करेगा, मैं परेशान हूँ। तो ये है मेरी दोनों नन, मेरी ताई सास है काम वाली, उनकी दोनों बेटी आई है, मेरी ताई सास भी और ये उनकी बेटी, ये मेरी नन की बेटी नैना। नैना नैना आए बोल, आए करते आए कर दो, नहीं करना नहीं करना, सो क्यूट। अच्छा दोनों समधन खा रही है, पहले देखो दोनों समधन लगे है खाने पे, फिर इसको भी तो पकड़ना है, इसको पकड़ेंगे तब हम खाएंगे, पहले मम्मी और मम्मी खा रहे हैं। भीड़ कितनी लगी है देखिए, देखो इसको और का मेरे को शादी में भेजो, इसलिए नाराज हो गई हमसे। डेकोरेशन देखो कितनी अच्छी अच्छी लग रही है ना, ऊपर की डेकोरेशन ऐसे पूरे उसमें अलग अलग कलर के फ्लावर लगाए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो ये खाए जा रहे हैं गोलगप्पे, ये गोलगप्पे ने गोलगप्पे को खाया, मुझे टिक्की में चटनी वटनी नहीं पसंद इसलिए। हम पार्टी से निकल चुके हैं क्योंकि हमारे जो छोटू है वो रोने लग गया था, अब उसे भूख भी लग गई होगी। हम आएंगे थोड़ा बहुत बारात देखने के लिए, हम बारात में नहीं जा रहे हैं। दीपू नाराज़ हो गई थी कि मुझे भी बारात में ले जाओ, मम्मी को हम बोल रहे थे आप जाओ, लेकिन मम्मी के साथ साथ वो बोल रही थी मम्मी जाएगी तो मैं भी जाऊँगी, नाराज़ हो रही थी, पापा मना कर रहे थे, बट अब पापा ने हाँ बोल दिया, बहुत ज़्यादा खुश हो गई है कि मुझे भी शादी में जाने को मिल रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। तो अब वो जाएगी कल पार्टी में, तो आपको शादी का ब्लॉग भी मिलेगा। पहले हम में से कोई नहीं जा रहा था, सिर्फ पापा जा रहे थे, तो पापा को तो हम बोल नहीं सकते थे ब्लॉग के लिए, बट अब दीपू जा रही है, मम्मी जा रही है, तो आपको कल का ब्लॉग ज़रूर मिलेगा। तो शादी का ब्लॉग भी आएगा आपके लिए, जैसे आपका हल्दी का और न्योतेर का आया, उसी तरह हम शादी का ब्लॉग भी देंगे आपको। तो हम तो आगे आ गए एंड बाकी सब वो पीछे खड़े हैं, अभी आ रहे हैं ये, मैं और मेरे हस्बैंड आगे आ गए क्योंकि छोटू को भूख लग रही है,
वो अभी तो चुप है, लेकिन अगर उसको भूख लग गई तो बहुत ज्यादा रोने लग जाएगा, इसीलिए हम अब जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं, टाइम भी हो गया। और मेरे हस्बैंड आगे आ गए हैं, बाकी सब वहाँ पे रुके हुए हैं, वो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बट अब घर जाना भी जरूरी है क्योंकि लेट हो चुका है। छोटू रो रहा है एंड रोना अच्छा नहीं होता बच्चों का, बाहर रुलाना बच्चों को, एंड उसे ठंड भी लग रही है, तो लेट भी काफ़ी हो गया, भूख भी लग रही है, तो अब हम जा रहे हैं घर। तो गाइज हम घर जा रहे हैं, अपने अपने पॉकेट के बाहर आ चुके हैं हम, अब अंदर जा रहे हैं, तो हम इनकी अभी पेट पूजा हो रही है, क्योंकि खाना नहीं खाया तो हाँ खाना नहीं खाया, पैदल आ रहे थे बट हमें कोई गाड़ी वाला मिल गया लकीली, थैंक गॉड हमारे छोटू को भी पैदल नहीं लाना पड़ा, वो थक भी हाथ भी थक जाते हैं बट उसे पैदल भी नहीं लाना पड़ा, रास्ते में हवा हवा का डर रहता बच्चे के लिए, तो हमें यहाँ पे तक गाड़ी वाला छोड़ के चला गया। तो गाइज हम फाइनली घर पहुँच गए अपने, और राहत की सांस लिए घर में आके बहुत रिलीफ मिलता है। ये देखो आते ही दीपू तो ऐसे फेंकती है अपने कपड़े, ये उसको सबसे ज्यादा गर्मी लगी रहती है, ये देखो हमारे माँ चुटकू भी रो रहा था, शांत हो गया, अपना घर अपना होता है, देखो ठाट बाट कर रहा है वो, वहाँ दबा हुआ था बेचारा, वो खुश हो गया, खुश देख। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस, ये उसकी ड्रेस, रात हो गई है उसकी ड्रेस। तो अब हम घर पहुंच गए, अब हम चेंज कर लेते हैं सारे, क्योंकि साड़ी में तो पता है बहुत अनकंफर्टेबल होता है, हमारे ज्यादा क्योंकि हम पहनते नहीं है। वही तो हम यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं, आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताना हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी जरूर बजा देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद हमारे पर यूं बरसाते रहना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बोल दो, बाय 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 बाय।